सावधान हो जाइए, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हो रहा है जिस्मफरोशी का धंधा। कोका नाम की ऑनलाइन वेबसाइट से धड़ल्ले से हो रहे देह व्यापार का सामाजिक सुरक्षा विभाग अपराध शाखा नागपुर ने किया पर्दाफाश, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक स्थानीय है, साथ में 2 लड़कियां भी थी जो सिर्फ देह व्यापार के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इनका मुखिया अब भी शिकंजे से बाहर है। सब इंस्पेक्टर सोनवानी की देखरेख में जांच जारी है। पुलिस को कई महीनों से ऐसे रैकेट होने की जानकारी मिली थी, किंतु आरोपी हाथ नहीं लग रहे थे, जिसे सोनू ने मैडम ढूंढने में लग गई थी। आखिरकार इस कोका नाम की वेबसाइट को पैसे के लेन देन की बात हुई, उस जगह पर पुलिस ने जाल बिछा कर लड़की और दलालों को धर दबोचा। आरोपी व्यक्ति लड़कियां बुलाकर ग्राहक को 15 से 20 हजार में सौदा करते थे। लड़कियां लॉकडाउन में भी बाय रूट गाड़ी से नागपुर आया करती थी और लॉकडाउन में बड़े पैसों की डिमांड रखा करती थी। शौकीन लोग पैसे देकर होटल या घर पर ले जाया करते थे। सामाजिक सुरक्षा विभाग गुन्हे शाखा नागपुर यांच्या आम्ही बातमीदारामार्फत बातमी काढली की कोका नावाच्या वेबसाईटवर अनैतिक व्यापार महिलांचा चालतो आणि काही नंबर देऊन त्याद्वारे संपर्क करून ही मानवी व्यापार चालतो। तर त्यावरून त्या नंबरवर संपर्क आम्ही केला असता डमी पंटर पाठवून डमी ग्राहक पाठवून आम्ही ही रेड केलेली आहे। फोनवर कॉन्टॅक्ट करून त्याद्वारे 15 हजाराला एक अशा प्रमाणे 2 मुलींचा त्यांचा व्यवहार झाला आणि व्यवहार ज्या ठिकाणी होता त्याच ठिकाणी आम्ही ऑन स्पॉट 2 मुली ज्या परराज्यातून आलेल्या होत्या देह व्यापारासाठी आणि 3 एजंट अशा 3 एजंट आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि 2 मुलींची सुटका केलेली आहे। या व्यतिरिक्त यांचा ही आरोपींची नावं आहेत रफिक राज साहेबराव पठाण व 19 वर्ष नगरचा राहणार आहे, आफताब उर्फ आर्यन शेख निजाम हाही नगरचा राहणार आहे आणि इथला एक स्थानिक आरोपी आहे सौरभ प्रमोद सुखदेवे वय 28 हिंगणा रोड नागपूर येथे राहणार आहे। या टोळीचा मोरक्या नगरमधनं हे रॅकेट चालवतो अशी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे, परंतु तो स्पॉटवर नसल्यामुळे याचा शोध अजून चालू आहे। रमजान पठाण उर्फ रेहान दादा पठाण राहणार नगर असं या टोळीच्या मोरक्याच्या आरोपीचं नाव आहे, जो अद्यापपर्यंत फरार आहे, याचा शोध घेणं चालू आहे। 2 मुलींची आम्ही सुटका केलेली आहे आणि हे 3 आरोपी अटक केलेले आहेत। एक्चुअली ऑनलाइन वेबसाइट पे इन्होंने डाला हुआ था कोका नाम का वेबसाइट था। नागपुर में फ्लैट अलाउड नहीं, जगह ऐसी उनकी डिसाइड नहीं है, एक जगह कहीं करते हैं ऐसा डिसाइड नहीं है। ज़्यादातर ओयो से बुकिंग करके रूम्स लेके इनका व्यापार चलता था। ऑनलाइन कांटेक्ट करके कस्टमर को ही ये कि रहने का या रूम का इंतज़ाम आप करो, या इस टाइप से इनका चलता था। सिर्फ लड़की देने के लिए ये लोग पैसे लेते थे। आपने अभी जब आरोपी को पकड़े वो कहाँ पकड़े? ये बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के अंडर मनीष नगर पुरुषोत्तम मार्केट है, मनीष नगर के अंडर टी पॉइंट है, वहाँ पे हमने इनको रेड हैंड पैसे देते हुए पकड़ा है। पैसे देते हुए? इनको होटल में या घर पे नहीं? नहीं, नहीं, रोड पे लड़कियाँ और पैसे, पैसे लेने के लिए एजेंट लोग आए थे, लड़कियाँ देने के लिए आए थे, लड़कियाँ भी स्पॉट पे ही मिली और ये 3 एजेंट वहाँ पे स्पॉट पे पकड़े गए। लड़कियाँ जो आते थे वो बाय रोड ये ओला कैब करके आए थे लड़कियाँ, एक जगह यहाँ पे टेम्पररी रुकी हुई थी, वहाँ से वो कैप करके ये जो तीसरा आरोपी है सौरभ ये लेके आया था उन लड़कियों को। मेरा नाम तृप्ति सोनोने, पुलिस इंस्पेक्टर सामाजिक सुरक्षा विभाग नागपुर गुन्हे शाखा। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर, V24 नागपुर।